पन्ना पुलिस ने खाद्य वितरण केंद्र गुनोर से बीते दिन हुई 23 लाख रुपए की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी की वारदात में शामिल खाद्य वितरण केंद्र के प्रभारी समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 16 लाख की लंबी रकम भी बरामद की है। दरअसल बीते दिनों राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भंडारण केंद्र गुनोर के गोदाम प्रभारी रामकरण द्विवेदी ने 26 नवंबर को खाद्य विक्रय की रकम गायब होने की सूचना दी थी। मामले में पन्ना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विपणन केंद्र के प्रभारी से सख्ती से पूछताछ करने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सारे आईफोन है, महंगे महंगे है। आईफोन है नहीं, वो स्मार्टफोन है। गुनोर थाना जो कि वहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन केंद्र है, उसमें विगत दिनों में एक रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हुई कि इस विपणन केंद्र से करीब करीब 23 लाख रुपए से अधिक की धनराशि का गबन हुआ है और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं चल रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी ने मुझे बताया और बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया तो उस समिति के प्रबंधन में ही कुछ कर्मचारी और पल्लेदारों ने कुछ बाहरी व्यक्तियों के साथ में मिलकर इस समस्त धनराशि का गबन किया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की है।